राजस्थान के बीकानेर में भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र गिरा। चक्र गिरने से 100 फीट गहरा गड्ढा हो गया। यहाँ मौजूद सड़क भी रातों रात गायब हो गई। कोई इसे रहस्यमय गड्ढा बता रहा है तो कोई भगवान हनुमान की गदा का वार, तो कुछ न्यूज साइट्स इसे पाताल लोक का द्वार भी बता रही है। जो साधु संत यहाँ पे हैं, उन्होंने इनको देवता के नाम से जोड़ा है। कोई किसी करणी माता का वरदान बता रहे हैं, कोई हनुमान जी के बारे में बोल रहे हैं, कोई किसी और देवता के बारे में बोल रहे हैं। गड्ढा क्यों बना, इसकी हकीकत जानने के लिए दैनिक भास्कर की टीम जयपुर से 350 किलोमीटर दूर बीकानेर के लूणकरणसर से सहद्रासर गाँव पहुँची। इस रोड पर करीब 100 फीट गहरा खड्डा हो चुका है और सड़क खड्डे में समा चुकी है। ये बड़ा ही चर्चा का विषय इस इलाके में बना हुआ है। ये 16 अप्रैल की बात थी। 16 अप्रैल की सुबह यहाँ से एक पिकअप दूध लेकर गुजर रही थी, वो इसी खड्डे में गिरते हुए बाल बाल बची थी। स्थानीय लोगों के मुताबिक जमीन यहाँ सिर्फ उसी दिन ही नहीं धसी, बल्कि अगले 2-3 दिन तक धीरे धीरे धंसती रही। गड्ढे का आकार अब भी बढ़ रहा है। कुछ तो पहले खड्डा था यहाँ पर 15-20 फुट, तो लारे 2 साल तक के इस खड्डे में 2x2 फुट को जमीन आधा फुट साल की नीचे दस्क की 2x2 फुट के एरिया में, अभी वो बहुत ज्यादा हो गया। अचानक बने इतने बड़े गड्ढे को देखकर हर कोई हैरान है। बीकानेर से भू विशेषज्ञों की टीम भी पहुंची और जयपुर GSI की टीम ने भी 3 बार विजिट की, आसपास के गांवों से सैंपल भी लिए, लेकिन अब तक कोई फाइनल रिपोर्ट नहीं आई है। इस गड्ढे को लेकर सभी के अपने अपने मत हैं, लेकिन सच्चाई क्या है ये जानने के लिए हम लूणकरणसर SDM राजेंद्र कुमार के पास पहुँचे। GSI की एक 3 सदस्यीय टीम आई थी और उन्होंने अपनी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट सबमिट कर दी है। मुताबिक रिपोर्ट ये तथ्य सामने आया है कि सहद्रासर के इलाके में बरसात काफ़ी कम हुई है पिछले कुछ सालों में और ग्राउंड वाटर है वो रिचार्ज नहीं हुआ, लेकिन ग्राउंड वाटर जो है उसका दोहन लगातार हो रहा था, तो उस रिचार्ज नहीं होने की वजह से भूमि में ये जो धंसाव है, ये जो प्रोसेस है, ये हुई। GSI की रिपोर्ट में ये भी डायरेक्शन दिया है कि इस क्षेत्र में अत्यधिक भूजल दोहन को देखते हुए अब आसपास के पूरे एरिया का जियो फिजिकल सर्वे करवाया जाना चाहिए। इससे पहले माइनिंग डिपार्टमेंट ने भी एक रिपोर्ट सबमिट करते हुए ग्राउंड वाटर लेवल नीचे जाने को कारण बताया था। सभी अफवाहों पर विराम लगाने के लिए GSI टीम ने ग्रामीणों को ये बता दिया कि ये किसी देवीय प्रकोप की वजह से नहीं हुआ है। यहाँ भूगर्भ में कई प्रकार की हलचल होती रहती है, उसी में से एक थी जो पानी की वजह से पोलापन नीचे आया और ये जमीन नीचे बैठ गई। मनीष व्यास, दैनिक भास्कर।